संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। समास चल रहे हैं और जल्दी जल्दी हमने समासों को जो तत्पुरुष समास थे सातों विभक्तियों में समाप्त कर दिए हैं। षष्ठी विभक्ति को छोड़ दिया, उसमें कुछ है नहीं, एक सूत्र था, बाद बाकी सब नकारात्मक सूत्र थे। वो कभी देखेंगे समय मिलेगा तो। समय तो अभी भी है लेकिन वो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, बहुत सरल है वो, आप एक बार पढ़ेंगे वो समझ में आ जाएगा। आज हम तत्पुरुष में एक अव्यय होता है नए अव्यय, नए अव्यय के द्वारा जो भी शब्दों के साथ वो नए लगता है वो नए तत्पुरुष समास हो जाता है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। नए तत्पुरुष समास, ठीक है, ये अव्यय है। जब भी अव्यय ये किसी के साथ प्रयोग होता है, शब्द के साथ, किसी सुबंध शब्द के साथ प्रयोग होता है तो नए तत्पुरुष समास हो जाता है। इसका ये सूत्र है, वो यही सूत्र है, नए सूत्र के द्वारा ये दर्शाया गया है कि जब भी यह अव्यय शब्द किसी सुबंध शब्द के साथ में आ जाएगा तो नए तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक। इसमें एक सूत्र और लगता है, न लोपो ने, न लोपो ने, इससे तात्पर्य क्या है, यानी कि ना का लोप हो जाता है ने शब्द यदि उत्तर पद के साथ मिले तो, ये इसका तात्पर्य है, ठीक। जैसे ना ब्राह्मण, अब ना का लोप हो जाता है, ना ब्राह्मण है ना, ये है तो ये न है लेकिन इस ए की किससे हलंत्यम, एक सूत्र आपने जाना होगा, हलंत्यम के द्वारा य का लोप हो जाता है, बचता है ना, और ना का लोप किससे होता है, ना लोपो न्याय, या न्याय के ना का लोप इस सूत्र से होता है। तो ये सूत्र से जब लोप हो जाता है तो ये बचता है कि मान लो हमारे पास आ, तो बन जाता है आ ब्राह्मण, तो ये पूरा बनता है अ ब्राह्मण, ठीक है। ऐसे ही आप अनेकों शब्दों को जान सकते हैं, जैसे धर्म शब्द है, धर्म शब्द में लगाइए धर्महा, तो इसमें यदि ना करना हो इसको, ना धर्मा अधर्म, तो ना का हमें पता है, पूरा लिख के दिखाते हैं आपको है? जब ये लोप हो जाता है और इसका भी लोप हो जाता है तो ये बनता है हमारे पास अधर्म। इसकी सिद्धि की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो सिद्धि पूर्ववत होगी, जैसे मैंने समझाया है, केवल एक सूत्र इसमें ये लग जाएगा, न्याय से समास हो जाएगा और जो न्याय का लोप हो रहा है वो हलंत्यम से लोप हो जाएगा, और ना का जो लोप हो रहा है, ना लोपो नय, इस सूत्र के द्वारा इसका लोप हो जाएगा, बचेगा हमारे पास आ, और आ जैसे ही बचेगा तो ये पुंजा बन जाएगा अधर्म, ठीक है, इस तरह से ये प्रयोग हो जाएगा, ठीक। और इसमें एक दोहरा उदाहरण और देख सकते हो आप, असत्य है, असर्व है, अज्ञ है, ये सब नए तत्पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे ना सत्य, इसमें भी ना सर्व, इसमें ना ज्ञः, और इसको अगर विग्रह करते हैं ना जानाति इति अज्ञः, है ना, ऐसे बोला जाता है, यानी ज्ञा धातु है, ज्ञा धातु में रूप चलते हैं, जानाति जानाति जानन्ति, इस तरह रूप चलते हैं, तो ना जानाति इति अज्ञः, जो जानता नहीं है उसको अज्ञ बोला जाता है। तो ये ना शब्द जो लग गया है अक्षर, वो ने का है, क्यों, या ये लुप्त है, इसको पहले से लुप्त कर दिया है, लेकिन ना का बाद में लुप्त कैसे होगा, इसके द्वारा लोप होगा, ना लोप होने के द्वारा, ठीक। पूरा विग्रह करते समय ने का प्रयोग नहीं करते हैं, ना सत्य ना सत्य ना सत्य, इस तरह से प्रयोग किया जाएगा, ना सर्व ना
ज्या, ज्या बोलिए इसको, ठीक। चलिए बहुत सरल है, इसको मैंने इसीलिए जल्दी ले लिया है, सरल सरल समझा देने, उसके बाद समानाधिकरण तत्पुरुष समास पे चलेंगे, वो थोड़ा सा कठिन है। अब एक है न ईश्वरः न अश्वः न, और उदाहरण है इनमें, अद्यतनः न आर्यः। इस तरह से अब इनका विग्रह जो हमने कर दिया है, अब इसको हम समास बनाएंगे तो क्या बनेगा, ईश्वर है, अश्व और ये अद्यतन, दूसरा तनम है, ठीक है, अद्यतनम और आर्य, ये बन जाएगा। लेकिन ये ठीक है नहीं, ऐसे नहीं बनेगा ये, तो इसके लिए एक सूत्र प्रयोग किया गया है, तस्मान नडुचि, ठीक। अब इस सूत्र का मतलब क्या है, तस्मात नुट अची, अची से तात्पर अच, उससे, उससे किससे, ने, इससे, इसकी बात कर रहा है, इससे बाद में यदि अच युक्त कोई भी शब्द आए तो, यदि ने के बाद में, तस्मात मतलब ने, ने के बाद में यदि अच युक्त, अच से शुरू होने वाले, अच से शुरू होने वाले कोई शुभंत शब्द आए तो उनमें नुट का आगम हो जाता है। अब नुट का आगम होते ही जो नुट है उसका टाका हलंत्यम से लुप्त हो जाएगा, फिर बचेगा नू, नू, वैसे तो ये सब चंद्रबिंदु युक्त होते हैं, इसीलिए उपदेशी अजमनास का इत से इनकी इत संज्ञा हो जाती है, ठीक है, नुट का आगम होगा तो ये बचेगा हमारे पास न, ये हो गया ना बचेगा। जब ये हो जाएगा तो ये ना ईश्वर है, वो जब ये आ प्रयोग होगा यहां पर, तो आ प्रयोग होते ही इसके बीच में, अब थोड़ा सा इसको हमें यहां से हटा देता हूं, आ तो हमारे समझ में आ रहा है वो चीज आ हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ये आएगा उसके बीच में नुट का, मैंने नुट यहां पूरा कंप्लीट कर दिया, नुट का आगम हो जाएगा और ये ना होगा, फिर लगेगा इसमें ईश्वर, ठीक है। ऐसे इसमें ना का आगम होगा यानी नुट का आगम होगा, फिर अश्व बनेगा ये, ऐसे इसमें ना और अद्यतना, अद्यतनम, ऐसे इसमें ना फिर आर्य, तो बन जाएगा क्या ये अन ईश्वर, अन है, ठीक, ईश्वर बनाएगा ये अनी श्वर, ये हो जाएगा अनीश्वर। ऐसे ही ये अन अश्व है, अन हो जाएगा समय, ठीक है, अन अन अन, और इसमें अश्व है, इसमें अद्य तनम, देखो यहां गलत कर दिया मैंने, अद्य तनम, अद्यतनम है और ये है आर्य, बन जाएगा ये अनश्व, ठीक, और ये क्या बन जाएगा अनद्य तनम, और ये क्या बन जाएगा अनार्य, ठीक है। तो बात समझ में आ गई,
जब भी ये आए ने तत्पुरुष समास में, ने जो अव्यय है उसके बाद में कोई स्वर से शुरू होने वाला, याद रखना स्वर से शुरू होने वाला यदि कोई शब्द आए तो उन दोनों के बीच में ने और जिस स्वर से शुरू हो रहा है उसके बीच में नुट का आगम हो जाता है, ये इसका तात्पर्य है। तो और नुट में हमने बता दिया, नुट में क्या बचता है, ना बचता है, सारी सिद्धियां इसी में हो जाएंगी, आप कर लेना एक तरह से। आज मैं सिद्धि नहीं बताऊंगा इसमें, क्योंकि इसमें कुछ बताने को ज्यादा खास नहीं है, वही प्रयोग होंगे सिर्फ, तब ये प्रयोग होगा। ना लगा, ना के बाद में हमारे पता है कि आ बचता है सबका, ये हम इसमें जान ही गए थे, हलंतम से लोप हो जाता है, ना लोप से नए लोप हो जाता, बचता हमारे पास आ, तो ये ना का आ बचा, आ पूरे में लिख लिया। फिर ये जो ने आया है ना, वो किससे आया है, तस्मान रुचि, तस्मात नुट नुडचि, तो गलत गलत यहां नुडची है, ठीक है, तस्मान नुडची नुट अची, ये इसमें प्रयोग किया गया है, उससे ने शब्द के बाद में अच आए तो नुट का आगम हो जाता है। तो ये बन गया अनिश्वर अनश्वर अद्यतनम अनार्य अनद्यतनम अनार्य, इस तरह से ये प्रयोग किया जाएगा। कोई भी स्वर आ जाए ये आग बंद कर आपको कर देना है। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, एक सूत्र और है, सूत्र क्या है मैंने बताया है, सूत्र सिर्फ शब्दों को समझाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो इसमें सब सारे शब्द दे दिए हैं, 10-11 शब्द हैं, उनमें ना का लोप नहीं होता, ये सूत्र कहता है। जैसे इसमें पूरा सूत्र लिख देता हूं, नभ्राण नपान नवेदा नासत्या नमुचि नकुल नख नपुंसक नक्षत्र नक्र नाकेशु प्रकृत्या, ये है पूरा। नभ्रान नपान नवेदा नासत्य नमुचि नकुल नख नपुंसक नक्षत्र नक्र नाकेशु प्रकृत्या, यानी कि एक हो गया ये, अब मैं क्रम से लिख देता हूं उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। नभ्राट, दूसरा है नपात, तीसरा है नवेदा या नवेदस कुछ भी कर लीजिए, चौथा है नासत्या, पांचवा है नमुची, छठवा है नकुल, सातवा है नख, आठवा है नपुंसक नपुंसकम नकुलहा, ठीक है नखाहा नपुंसकम, नमा है नक्षत्र, दसवां है नक्रह और ग्यारहवां है नाकः। इनमें प्रकृत्या जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं, जैसे नभ्राट ज्यों की त्यों रहेगा, इसको बोलते हैं काला बादल। नपात किसी में असंभव जो चीजें होती है ना वो उसके संबंधित है। नवेदा न जान अजानकार, वेदमन जानना, और ना वेदा जो जानकार ना हो अजानकार। ना सत्या ना असत्या, इसमें आपने जाना होगा इसको दो अर्थ निकाल सकते हैं, वैसे यहां पर अश्विनी कुमार इसका अर्थ लिया गया है ना, अश्विनी कुमार। नमुची राक्षस है ये, ना मुची न कुलम अस्य न कुलहा या नेवला, नख नाखम अस्य नख,
ना पुंस ना स्त्री नपुंसकम ना क्षरति इति नक्षत्रम ना क्रामेति इति नक्र नक्र का मतलब क्या होता है मगर मगरमच्छ और नाक नाक का मतलब स्वर्ग। ये इस तरह से 11 शब्द हैं। इन 11 शब्दों को याद करने के लिए ये सूत्र बनाया पूरा। तो सूत्र को आपको याद करना है या इन शब्दों को याद कर लो। बात एक ही है, नभ्रण नभान नभेदा ना सत्य नमुची नकुल नक नपुंसक नक्षत्र नक्र नाकेशु प्रकृत्या। इस तरह से याद कर लो इसे। एक दो बार याद करेंगे तो कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें कभी भी ना का लोप नहीं होता ये सूत्र के अनुसार। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े। चौथा है नवो अप्राणि श्वन्य तरस्याम, ठीक है। अर्थात नग नगह शब्द अप्राणिषु अन्य तरस्याम। नग शब्द जब भी प्राणी से भिन्न कुछ भी बताने के लिए प्रयोग किया जाएगा तो हम विकल्प में या तो उसको नग ही रहने देंगे या अग भी कर सकते हैं, अर्थात उसके ना का लोप हो जाता है विकल्प से। ना का लोप होता भी है और नहीं भी होता, लेकिन वो स्थिति क्या होनी चाहिए, अप्राणिषु यानी प्राणी से भिन्न होना चाहिए। वैसे नग और अग का मतलब पर्वत या वृक्ष ही होता है, ठीक है। जैसे वो शब्द में वाक्य में प्रयोग होता है उसका अर्थ चलने शब्द प्रयोग होने लग जाए और प्राणी उसमें प्रयोग किया जा रहा हो कोई, तो अग का ही प्रयोग होगा, नग का प्रयोग नहीं होगा। न गच्छति इति नगा, जो ना चले, ये इसका अर्थ है, ठीक है। चार सूत्र ही हैं नए तत्पुरुष समास में और कंठस्थ कर लीजिए। बहुत शॉर्ट में बताया है और संपूर्ण बता दिया है। अब धीमे धीमे हम समास खत्म करने पर ही लगे हुए हैं, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएं। बहुत विस्तृत है समास, उत्तर तत्पुरुष समास और बहुव्रीय समास बहुत विस्तृत में है। तो तत्पुरुष समास लगभग हमने आधा कर लिया है और आधा और रह गया है, देखते हैं कितने और वीडियो बन सकते हैं, छोटे छोटे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में एक एक मैं एक एक चीज समझाऊंगा। जैसे गति तत्पुरुष समास है, प्रादि तत्पुरुष समास है, इन समासों को अलग अलग वीडियो में समझाया जाएगा जिससे कि आपके दिमाग में सही से बैठ जाए। और केवल इसी एक तरफ से दोनों तीन चार एक समझा दिए तो समस्या हो जाती है। एक एक वीडियो में एक एक, जैसे न्याय तत्पुरुष समास का एक वीडियो हो गया, छोटा है लेकिन ठीक है, ऐसे ही गति तत्पुरुष समास में बड़ा होगा क्योंकि उसमें बहुत सूत्र हैं, प्रादि में छोटा होगा। ऐसे हम सूत्रों को समझते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।